नमस्कार दोस्तों, फार्मिंग तकनीक पर मैं आशीष मोरछले आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीड ग्रेडर मशीन के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, कि ये कैसा इसका कंस्ट्रक्शन है, कैसे ये काम करता है, किन किन बीजों को इससे जो है ग्रेडिंग की जा सकती है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी शानदार वीडियोस मैं चैनल पर डालूं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि इसमें कौन कौन से सीड्स हैं जिनकी ग्रेडिंग की जा सकती है। दोस्तों, ये एग्जैक्टली करता क्या है पहले मैं ये बताता हूँ। कोई भी सीड्स है, जैसे हमको उसकी बुआई करना है या फिर उसमें बहुत ज़्यादा कचरा है, कटे फटे बीज है, सड़े गले बीज हैं, उनको अच्छे बीजों से सेपरेट करना है तो इस मशीन का यूज़ किया जाता है। बहुत सस्ती मशीन है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त मशीन है और इसमें एक जैसे सीड्स हमको मिल जाते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये देखिए, जैसे ये ग्रेडिंग से निकले हैं, एक जैसे सीड्स हैं दोस्तों, ये देखिए, और कचरा बाहर निकल जाता है इसमें। दोस्तों, सोयाबीन है, उड़द है, मूंग है, मटर है, जो राउंड शेप के जो भी सीड्स हैं उनकी ग्रेडिंग आसानी से इसमें की जा सकती है। दोस्तों, इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो तीन इसमें ये कॉलम्स होते हैं और ये इसका बेस होता है जिससे कॉलम लगे हुए हैं, और ऊपर जाकर इन तीन कॉलम पर ये हॉपर लगा हुआ है जिसमें हम सोयाबीन या फिर कोई भी जिसकी ग्रेडिंग करना है सीड की उसको डालते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक बीच में ये कॉलम लगा हुआ है, ये पोल लगा हुआ है जिसपे ये स्पाइरल शेप में ये शीट्स लगी हुई हैं। ये चार शीट्स हैं और बाहर एक शीट है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से सीड कितना नीचे छोड़ना है ये इससे मैनेज हो जाता है, यहाँ से एडजस्ट हो जाता है। और ऊपर यहाँ पर ये देखिए एक कील टाइप का ये बना हुआ है जिससे सीड यहाँ पर गिरता है तो चारों तरफ फैल के जाता है इन पत्तियों में, और ग्रेविटी के कारण दोस्तों ये इसमें से नीचे चला जाता है। जो भारी बीज होते हैं वो ये जो सीड्स हैं उनसे वजन के कारण जो है वो बाहर, मोमेंटम के कारण बाहर गिर जाते हैं और सेपरेट होकर यहाँ आ जाते हैं। जो हल्के बीज होते हैं, सड़े गले कटे फटे बीज होते हैं, कचरा होता है, उनमें मोमेंटम कम होता है इसलिए वो अंदर की शीट में ही रह जाते हैं और अंदर की शीट से यहाँ गिर जाते हैं। तो दोस्तों, इसको काम करने के लिए इसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती, केवल लेवर लगती है दोस्तों और ये काम करता है। इसमें कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल सोर्स नहीं यूज करना पड़ता, केवल ग्रेविटी के कारण चलता है। दोस्तों ये मशीन आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और एक लाइक तो बनता है दोस्तों इस मशीन के लिए। दोस्तों, आप देखते हैं कि कैसे ये काम करता है, चलिए देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये एक जैसे शानदार क्वालिटी के जो सीड्स हैं वो पूरी तरह से कचरे से सेपरेट हो गए हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ देखिए आप, यहाँ पर जो सड़े गले कटे सीड्स हैं और कंकड़ मिट्टी हैं वो सब जो है वो अलग, ये देखिए अलग हो गए हैं, बिल्कुल सेपरेट हो गए हैं। तो दोस्तों, कितने अच्छे तरीके से ये ग्रेडिंग करती है और उतनी ही सस्ती ये मशीन है दोस्तों, 4 से 5 हजार रुपए इसकी कीमत है और साथ में बिना एनर्जी के काम करती है दोस्तों, केवल लेबर कॉस्ट में ये काम करती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोई भी डाउट हो दोस्तों तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, आप कभी भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे फॉलो करना ना भूलें, और इसी तरीके के अन्य वीडियोज के लिए फार्मिंग तकनीक पर बने रहें। धन्यवाद।